में आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े खास मुद्दे को लेकर। जी हाँ, अपने इस खास प्रोग्राम में मैं एक बार फिर से कन्नौज लोकसभा सीट के बाद बात करूंगी मथुरा लोकसभा सीट को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं कान्हा की नगरी कही जाती है। और ऐसे में इस बार कान्हा किस पर होंगे मेहरबान, ये फिलहाल तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, मथुरा लोकसभा सीट पर क्या इस बार एसपी बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन कमाल कर पाएगा, क्योंकि तीनों की ही अग्नि परीक्षा है। और बीजेपी का अगर देखा जाए यहाँ पे परफॉर्मेंस, तो निसंदेह बेहतर रहा है। परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूं कि 1991 से 2004 तक चार बार बीजेपी यहां से पास होती रही, यानी कि सफल होती रही है। चौधरी तेजवीर सिंह तीन बार मथुरा लोकसभा सीट से सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं, और 2004 में ये सीट कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने जीती थी, और 2009 में आरएलडी मुखिया यानी कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने ये सीट अपने खाते में दर्ज कराई। लेकिन 2014 में यहाँ पर हेमा मालिनी से वो हार गए। हेमा मालिनी को 52% वोट मिले थे, यानी कि 574,633, और जयंत चौधरी को मिले थे 22.62%, और 243,890 उन्हें कुल वोट पड़े थे। और अगर एसपी बीएसपी का जिक्र करूँ 2014 का, तो बीएसपी को मिले थे 173,572 और एसपी को मिले थे 36,637। एसपी के उम्मीदवार थे 2014 में चंदन सिंह, और बीएसपी के उम्मीदवार थे योगेश कुमार। तो ऐसे में इस बार आरएलडी बीएसपी और एसपी तीनों एक साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और मथुरा की सीट फिलहाल आरएलडी को दे दी गई है, क्योंकि पहले गठबंधन में उनको शामिल करने और ना करने को लेकर मायावती जो कहीं ना कहीं जो थी कश्मकश में थी। लेकिन फिलहाल उनको तीन सीटें दी गई, उसमें एक मथुरा सीट है। और इस बार मथुरा सीट से जयंत चौधरी ताल नहीं ठोकेंगे, उनकी पत्नी चारू चौधरी को टिकट मिल सकता है। उनकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में हेमा मालिनी के खिलाफ उतर सकती हैं। हालांकि मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पर बातें यही सामने आ रही कि हेमा मालिनी को एक बार फिर से मथुरा से टिकट मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। यानी कि यहाँ पर महिला वर्सेस महिला का फैक्टर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आरएलडी का जाट समुदाय में काफी अच्छा वर्चस्व है। कहा जाता है 70% जो है पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय की आबादी है, और माफी चाहूंगी मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी 17% है, और विधानसभा की 77 सीटों पर इनका दखल है। तो ऐसे में क्या आरएलडी को इसका पूरा जो है इस बार एक तरह से एक फायदा मिल सकता है? एसपी बीएसपी गठबंधन उपचुनाव में जो कमाल कर गया, कैराना में आरएलडी की प्रत्याशी जीती थी तबस्सुम हसन, तो क्या ऐसे में मान ले कि इस बार मथुरा की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते से खिसक सकती है? अगर जयंत चौधरी की पत्नी खड़ी होती है और उनके मुकाबले हेमा मालिनी खड़ी होती हैं, तो फिर कांटे की टक्कर होगी। तो इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। कन्नौज के बाद सबसे अहम सीट है मथुरा लोकसभा सीट, क्या लगता है कि मथुरा लोकसभा सीट पर इस बार आरएलडी कमाल कर ले जाएगी? बिल्कुल गायत्री जी, अगर आप मुकाबले को देखें तो 2009 में यही आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन था कि वहां से जयंत चौधरी को टिकट दिया जाता है और वो 58% वोटों से चुनाव जीतते हैं। इसके बाद जिस तरह से 2014 में दोनों दल अलग होते हैं, हेमा मालिनी को मथुरा से लाया जाता है और हेमा मालिनी 52% वोटों के साथ में वहां से चुनाव जीतती है। लेकिन अब मौजूदा सिनेरियो के हिसाब से देखें तो ये समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर सपा बसपा और आरएलडी को मिला भी दिया जाए तब भी तीनों के मिलकर इतने वोट नहीं जितने वोटों से हेमा मालिनी चुनाव जीती, यानी कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सीट बन गई है बीजेपी और बसपा और सपा और आरएलडी गठबंधन के लिए। किस तरह से इसमें मुकाबला चलेगा, हालांकि ये बात सही आपने कहा कि जयंत की पत्नी को शायद यहाँ से लड़ाई नहीं जाने की संभावना ज्यादा चर्चाओं में आ रही है, और साथ में ये भी बात आ रही है कि क्या हेमा मालिनी यहाँ से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि बीते दिनों काफी इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि क्या उनको एक बार टिकट दिया जाना चाहिए या पार्टी दे सकती है टिकट, तो ये सब चर्चाओं में था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक की जो इस समय सरगर्मियां तेज हो गई, उसमें ये बात जरूर चर्चा में है कि मथुरा की सीट इस बार उतनी आसान है जितनी बार रह चुकी है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो 91 के बाद से लगातार ये सीट 2004 तक बीजेपी के पास रही, और उसके बाद एक बार कांग्रेस के खाते में चली गई, फिर 2009 में जो गठबंधन होता है तो उसमें आरएलडी के पक्ष में चली जाती है, फिर जो गठबंधन टूटता है तो फिर बीजेपी, यानी कि बड़ा उठा पटक रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर आप देखें तो लगभग ये बीजेपी के पक्ष में सीट रही है। ऐसे में किस तरह का कमाल दिखा पाएगी जो है आरएलडी जो और गठबंधन मिलकर, क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे सीट से, क्या हेमा मालिनी का मुकाबला कर पाएंगे, ये दूर की कौड़ी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से अभी से घेराबंदी होना शुरू जी घेराबंदी होनी शुरू हो गई है। और ऐसे में मथुरा लोकसभा सीट जो है उस पर भी अब दाव पेच की सियासत शुरू हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वैसे ही मायावती ने अपना पूरा कहीं ना कहीं वर्चस्व बिठा लिया है, क्योंकि अधिकतर सीटों पर उनकी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। पूर्वांचल का जिम्मा अखिलेश यादव को सौंपा गया है और
आरएलडी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर आगे बढ़ रही है और ऐसे में आगे आएगी, मतलब कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में आरएलडी का जाट वोटर जो है सबसे मजबूत कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 सीटों को प्रभावित करता है ये जाट वोटर। और 2014 की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर दंगे और कोसी कला में जो सांप्रदायिक तनाव हुए थे उसके बाद मुस्लिम और जाट समुदाय जो थे दोनों के बीच खाई बढ़ गई थी। ऐसे में सपा बसपा कांग्रेस सबने अलग अलग चुनाव लड़ा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल गया था। लेकिन इस बार आरएलडी भी बहुत ज्यादा मजबूती की कगार पर है और पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं जयंत चौधरी। उनकी पत्नी चारू चौधरी इस बार जो है चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं। चारू चौधरी जयंत चौधरी की पत्नी है। तो क्या लगता है हेमा मालिनी अगर चुनाव लड़ती है तो महिला वर्सेस महिला का फैक्टर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि क्यों ना महिला के खिलाफ महिला को उतारे, इसके भी सिंपैथिक तौर पर आपको कहीं ना कहीं वोट मिलते हैं क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि हेमा मालिनी मथुरा ज्यादा मुंबई में अपना समय बिताती है, मथुरा की जनता पर उनका ध्यान नहीं है, विकास के कामों पर उनका ध्यान नहीं, बहुत सारी बातें इसको लेकर होती रही हैं और लगातार विवाद का विषय बनता रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, इसी के नाते शायद हो सकता है चारू चौधरी को वहां चुनाव लड़ने की बात चल रही हो, जो जैन की पत्नी है। सबसे महत्वपूर्ण बात गायत्री जी, बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के समीकरण फिलहाल बने हुए हैं इनका मुकाबला 2014 से हम लोग नहीं कर सकते, स्थिति बहुत ज्यादा अलग थी। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो इन 4-5 साल में बहुत सारे समीकरण बदले हैं। केराना ने बहुत कुछ सबक सिखाया बीजेपी को भी कि क्या हालात उसके लिए वैसे हैं नहीं है, क्योंकि यूपी में इस समय बदलाव की राजनीति। और मैं ये कहूंगा कि जिससे सपा बसपा और आरएलडी ने एक साथ गठबंधन में आकर जो ये कहूँ कि कुश्ती में पहला दाव मारा है, वो कहने की बीजेपी की चिंता का सबब है। बीजेपी को फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि किस रणनीति पर जाए, किस तरह से वो सीटों का बंटवारा करे। लेकिन हाँ, जल्द इसमें आना पड़ेगा क्योंकि अगर देर करेंगे तो खामियाजा उनको ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सर, अगर 2014 के आंकड़ों पर जाया जाए तो हेमा मालिनी को 52% वोट मिले थे, यानी कि अभी मैंने शुरुआत में जिक्र किया है 574,633 वोटों से वो विजयी रही थी। जयंत चौधरी को 22.62% था और BSP SP सबने अलग अलग लड़ा था चुनाव। और ऐसे में अगर तीनों पार्टियां मिलकर भी बीजेपी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे रही थी 2014 में, तो क्या ये दोबारा देखने को नहीं मिल सकता जी? स्पष्ट है, पूरी तरह से स्पष्ट बात यह है कि जब हेमा मालिनी वहां पर आई थी ड्रीम गर्ल थी, आज क्या उन्होंने मथुरा को ड्रीम नगरी बनाया है? क्योंकि आज जब आपसे लोग सवाल पूछेंगे, आप लोगों के पास जाएंगे, तो क्या आपने वो विकास से काम किए जो जनता आपसे उम्मीद कर रही थी? आपको बॉलीवुड की हीरोइन के तौर पर या यूं कहें कि मोदी लहर के तौर पर आपको जिताया जरूर गया, वहां से जनता ने आपको वोट जरूर दिए, लेकिन जनता आज आपसे हक मांगेगी जो आपने उसको वोट दिया है, कि आपने उसका हक अदा किया है? तमाम सारे सवाल है। इसी को लेकर मैं आपसे शुरू में कह रहा हूँ कि लगातार पार्टी में ये बात हो रही कि क्या हेमा मालिनी को दोबारा टिकट वहां से दिया जाए, क्या उन्हें दोबारा उस सीट से उतारा जाए? क्योंकि देखिए, सेलिब्रिटी के नाम पर शुरुआत में तो लोग वोट देते, हमने बहुत सारी जगह देखा, रामपुर में जिस तरह जयप्रदा को उतारा गया उन्होंने सीट वोट हासिल किया, जिस तरह से अजरुद्दीन मुरादाबाद से उन्होंने, नहीं एक बार में तो आप कमाल करिश्मा कर सकते हो, इवन गोविंदा ने जिस तरह से जीत दर्ज की, तो ऐसे बहुत सारे नाम है जब आप देखते हो कि नाम पे जीत जाते हैं काम पे बाद में वोट नहीं मिलते। लेकिन इस बार गायत्री जी आपको काम से समझाना होगा कि मैंने ये काम मथुरा के लिए किया है, मैंने ये काम मथुरा के लिए किया, अगर आपने नहीं किया होगा तो जनता आपको नकार सकती है। हेमा मालिनी की जवाबदेही बहुत तगड़ी बनने वाली है, हेमा मालिनी की भी और मोदी जी की भी जवाबदेही तगड़ी बनने वाली है। तो ऐसे में अब आपको, पहले आप दोष लगा रहे थे कि आज विपक्षी दल आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कल कोलकाता में देखा कि एक मंच पर बीचों दल नजर आ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा एक कारण बनता जा रहा है बीजेपी के लिए कि क्या अब ये बीजेपी रणनीति पर दोबारा गौर करेगी, जो चेहरे जीत चुके हैं उनको हटाकर कोई नए चेहरे लेकर आएगी, या एक बार फिर उन्हीं चेहरों को भरोसा करेगी? जी, लेकिन हेमा मालिनी की जवाबदेही का इसलिए मैंने जिक्र किया है क्योंकि टिकट तो उन्हें बीजेपी आला कमान ही देगा। तो ऐसे में अभी ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी आला कमान अब सभी सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को भी तैयार करवा रहा है कि आपने क्या क्या काम किया है 5 सालों में, भले पीएम मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड कब तैयार करे वो जनता जवाब देगी, लेकिन हाँ। तो ऐसे में हेमा मालिनी के काम को अगर देखा जाए तो निस्संदेह उनके कामों पर उंगली उठी है, क्योंकि वो एक ड्रीम गर्ल है, वो ज्यादातर मुंबई में ही समय बिताती है, उनको ज्यादातर नृत्य करते हुए देखा जाता है, लेकिन उनको अपने सांसद तौर पर ज्यादा इतना एक्टिव होते हुए नहीं देखा जाता है। जयंत चौधरी का जिक्र करूंगी, 2009 में उन्होंने अपने एक तरह से जो था राजनीति में अपना कहीं ना कहीं आगाज किया था और उनको 58% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, ये अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक था। इसको आप वोट बैंक मत देखिए, बीजेपी और दोनों का गठबंधन वहां पर मौजूद था, अब 2014 में गठबंधन हट चुका था। ऐसे में अगर बीजेपी 52% वहां से वोट लेकर आती, इसका मतलब चिंता का सबब जरूर है इनके लिए, इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब हेमा मालिनी ने जो वायदे लोगों से करके 2014 में चुनाव में आई थी, जीती थी, अब वायदों के ऊपर बात करनी कि मैंने ये वायदे पूरे किए, ऐसे में हो सकता है जो वोट बैंक बीजेपी का बना है वो खिसक जाए। लेकिन क्योंकि बहुत मजबूत सीट है बीजेपी की, इसलिए हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। 2009 में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन था, जयंत चौधरी को बहुत भारी वोट पड़े, लेकिन 2014 में 2012 में अगर यादव सरकार जब वहां पे थी, अखिलेश यादव शासन काल में थे, तो वहां पर मुजफ्फरनगर जो राइट हुआ था उसके बाद से जो वहां पे सियासी गणित एकदम से बदले,
और इसी वजह से आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में इस बार आरएलडी जो है एसपी बीएसपी के साथ है, तो क्या लगता है कितना बड़ा फायदा आरएलडी को मिलेगा और बीजेपी क्या करेगी इनका इनका जोड़ का तोड़ निकालने? अगर मैं बात करूं तो 2091 के बाद से मैं बात कर रहा था, 1991 के बाद से बात कर रहा था, जिस तरह से समीकरण हम देखे 2004 तक बीजेपी के पास सीट पुख्ता तौर पर रही, 2004 के बाद जरूर कांग्रेस जीती, लेकिन अगर 2009 का बात करें तो वो भी बीजेपी के सहयोग से चुनाव जीते थे। उसके बाद 2014 में तो आपने देखा कि बंपर तरीके से हमारी वहां चुनाव जीती, तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये गढ़ बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ है, यहां से उसको हराना इतना आसान नहीं। लेकिन लेकिन देखिए गायत्री जी, 2014 का इसका मुकाबला नहीं है, उस समय आप एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश में थे, घेर रहे थे, आप लगातार वार कर रहे थे, मोदी लहर की लगातार चर्चाएं हो रही थी, पूरे देश में इस तरह का माहौल बना था कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे में हेमा मालिनी के पक्ष में लोग आए। और दूसरा कि आप सेलिब्रिटी भी थी, आप मुंबई से चल के लोगों के घर घर तक पहुंचे, लोग भी खुश थे कि एक हीरोइन चल के यहाँ पे आई, हमारे घर पे आई, तो लोगों ने उत्साह में आपको वोट दिया। लेकिन वो उत्साह क्या अब वोटों में बदल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी भी समझ तो रही है कि जिस तरह की बातें लगातार उठ रही हैं, ऐसे में क्या हेमा मालिनी को दोबारा उतारना क्या सही कदम साबित होगा या फिर कोई और चेहरा? चलिए, अगर बीजेपी का मजबूत गढ़ बथुरा बन भी गया है, तो ऐसे में सवाल ऐसा कि भाई ये हेमा मालिनी पे आके टिक जाता है कि चारू चौधरी, तो चलो उनपे नाम पे पूरी तरह से जो है बातें खुलकर सामने आ रही कि उनको टिकट मिलेगा इस बार, उनकी पत्नी जयंत चौधरी की पत्नी जो है चुनाव लड़ेंगी इस बार लोकसभा सीट से मथुरा में। लेकिन हेमा मालिनी का इस बार कहीं ना कहीं जो है 19-20 की स्थिति, यानी 50-50% लग रहा है, शायद उन्हें टिकट मिल भी सकता है, शायद उन्हें टिकट नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने बयानों में ये कहा था कि वो एक बार फिर से मथुरा सीट से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए बात तो बिल्कुल, जो सांसद जीता होता वो हमेशा यही चाहता है कि अगली बार भी उसको चुनाव में उतारा जाए। लेकिन देखिए, पार्टी का कई बार फैसला होता है, पार्टी रिपोर्ट कार्ड, जैसा आपने खुद कहा कि रिपोर्ट कार्ड संसद देखने को मिलता है कि क्या रिपोर्ट कार्ड में वो सब चीज़ें हैं जो पार्टी उससे उम्मीद कर रही है, अगर वो चीज़ नहीं होंगी, यानी कि एक सर्वे के तौर पर हम देख सकते हैं जनता उससे ना पूछ रहे, तो कई बार पार्टी जो है प्रत्याशी को वापस भी खींच लेती है। तमाम बार हर बार इलेक्शन में ऐसा देखा जाता है कि लोग जो ऐसे नाम के होते हैं उनको वापस भी ले जाते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम अगर बात करें फिलहाल में, तो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी का जो नाम है काम के लिए कम और उनकी चर्चाएं बाहर ज्यादा रही हैं, इस बार उन्हें नाम से नहीं, खुद को काम से साबित करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मुझे लग रहा है कि चारू चौधरी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चारू जो, लेकिन सब बीजेपी का भी तभी गठजोड़ वहां पे हेमा मालिनी को अगर उनकी जगह किसी और को भी लेकर आते तो बीजेपी तो जीत सकती है शायद वहां पे, संभावना है। समीकरण तो बिल्कुल, अगर आप बात करें संभावना की बात करें, तो केराना में जिस तरह से हराया है, जिस तरह हार मिली, उसके बाद से लगातार ये सभी माना जा रहा है कि जो इधर के जो लोग हैं, खासकर जाट जो लोग हैं, वो खासे नाराज भी हैं भाजपा से। अब ये नाराजगी किस हद तक दूर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बड़ा फैक्टर साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब अपने जाल में काटे का मुकाबला है, यानी कि इस बार आरएलडी यहां पर बाजी मार सकती है एसपी बीएसपी के सहारे, जाहिर तौर पर अगर तीनों दल मिले हैं और साथ में कांग्रेस का सपोर्ट उनको रहा, तो इसका एक और जो है देखने को खामियाजा देखने को मिला बीजेपी। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा तो एक मुकाबला और ज्यादा, लेकिन बीजेपी को सर कमजोर समझना भी इन लोगों के लिए काफी भारी एक आफत हो सकता है। कमजोर समझते साथ अकेले अकेले चुनाव लड़ते, उनको पता है ताकतवर है बीजेपी, तभी तीनों चारों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस कहने का मतलब साफ है कि वो बीजेपी से मुकाबला सीधे अकेले दम पे नहीं कर सकते, इसलिए तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या लोगों में बीजेपी के लिए पहले से ही दिलचस्पी है, शायद नहीं है, इसी का फायदा ये तीनों दल उठाना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि इस बार आरएलडी जो है एसपी बीएसपी के साथ मथुरा सीट पर कमाल कर सकती है, बीजेपी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा सकती है, एकदम बैकफुट पे, बीजेपी बैकफुट पर जा सकती है मथुरा लोकसभा सीट पर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या आंकड़े थे 2004 से लेकर 2009 और 2014 में, किस तरह से यहाँ पर कौन सा सांसद कितने वोटों से जीता। लेकिन कुल मिलाकर इस बार जो है वाकई जमीन आसमान का अंतर आ गया है 2014 से 2019 में। लेकिन हाँ, बीजेपी को भी कम समझना कहीं ना कहीं बेवकूफ उफी ही होगी। लेकिन बीजेपी का भी दाव देखना होगा कि क्या इस बार हेमा मालिनी को ही टिकट मिलेगा या फिर किसी और शख्स को, किसी और नेता को वो इस लोकसभा सीट से टिकट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर जिस तरह के जो 5 साल में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उसको कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, उसका सीधा फायदा आरएलडी की प्रत्याशी चारू चौधरी को मिल सकता है, अगर चारू चौधरी यहां से चुनाव लड़ती है या फिर कोई और भी चुनाव लड़ता है आरएलडी की तरफ से। यानी कुल मिलाकर मथुरा लोकसभा सीट पर भी संग्राम बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत सी अहम सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा सीटें हैं, हम एक एक करके हर सीट का ब्यौरा आपको देंगे कि आखिर किस सीट पर इस बार बीजेपी कमजोर है और किस सीट पर बसपा सपा और आरएलडी का गठबंधन मजबूत है। तो दर्शकों, आज खास था यही मुद्दा, कल होगी आपसे फिर एक अहम मुद्दे के साथ मुलाकात, एक अहम सीट को लेकर मुलाकात। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।